खबर शामिल करते हैं नौशहरा वादी सोन से रिपोर्ट कर रहे हैं मलक जाहिद फारूक कवान। नौशहरा के वस्त ओल्ड अस्पताल रोड पर वाकया गली टूट फूट का शिकार है, जिससे अहले मोहल्ला को शदीद मुश्किलात का सामना है। एहतजाज करते हुए मलक अंसर, मलक उस्मान, मलक जफर, मलक आसफ और दीगर ने बताया कि शहर में गलियों में तामीर मरम्मत का काम जारी है, जहाँ जरूरत नहीं वहाँ खेतों में स्लेब डाल दी गई है और स्लेब के ऊपर स्लेब डालकर तामीर का सिलसिला जारी है। न जाने हम लोगों को दीगर सियासी ग्रुप के साथ वाबस्तगी की सजा मिल रही है। उन्होंने अरकान असम्बली से मुतालबा किया कि 1000 फुट की गली में स्लेब डालकर हमारी मुश्किलात का अजाला किया जाए। साड़ी वो 1000 फुट जड़ी शहर इच पई काम अधूरे पैन, मतलब है कि वो ये चीज नहीं करे ने आ या तो जंगल इच ये बच गई तो साड़ी शहर जड़ी काम अधूरे गलियां अधिया छोड़ के ते वो नहीं बना रहे बराए मेहरबानी। ऐ चीज ये मस्जिद की मुनेका गली है और ये मोहल्लों वालों ने मिल के आपस में जो है ना ये इसका निज़ाम बनाया है, लेकिन ये पानी बारिश आती है सारा पानी अंदर खड़ा हो जाता है गली में और नमाजी के आने जाने में तकलीफ है। ना बाकी सारी गलियां बन गई साड़ी की गली में कोई मसला नहीं, कुछ हालात वे के सारे सर किस तरीके ना बंदे का गुजरना नहीं बड़ा मुश्किल हो गया, किसी बंदे साड़ी कोई गल सुनी ही नहीं। किस तरह सलूक किया जा रहा है सर? ये सर तुम मेहरबानी काइंडली करो, सच्ची मेहरबानी फरमाओ, कोई शक्कर फरमाओ, कोई जनाब इस तरह से कोई हल करो साडा इस तरीके ना, थोड़ी बड़ी मेहरबानी होगी सर, थोड़ा बड़ा शुक्र गुजार है लोग, थोड़ी हालत देख लो लोगों का गुजरग लोग गुजरते हैं और काफ़ी असद रात तो असी काम कर रहे हैं सर, कोई भी काम नहीं कर रहा साढ़े को, कमेटी फिर के थक गए हैं। मेंबर मरकजी मजलस अमला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून साबक वफाकी वजीर मेजर रिटायर्ड तायर इकबाल मलक ने लतीफाल में जनरल फैज हमीद और सरदार नजफ हमीद के मामू और चौधरी जमुरत के वालिद चौधरी सरफराज खान की नमाज जनाजा में शिरकत की। उनके हमराह सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिला चकवाल चौधरी मोहम्मद जमीर खान, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चौधरी जफर इस्लाम, जिंद अमान चौधरी, गुलाम शबीर गंगा चौधरी, शौकत हयात चौधरी जफर, मलक मोहम्मद इकबाल और चौधरी जुहेब अशरफ भी मौजूद थे। बांग्लादेशी खातून ने पेट में कैंचियों के साथ 20 साल गुजार दिए। खातून के पेट में डॉक्टरों की गफलत से सर्जिकल सीजर्स की जोड़ी रह गई थी और 20 बरस खातून ने तकलीफ से गुजारे। 55 साल खातून का 2002 में गाल स्टोन निकालने के लिए ऑपरेशन किया गया था। अस्पताल से घर आने के चंद रोज बाद ही उसे पेट में तकलीफ शुरू हो गई, जिसके बाद वो इसी अस्पताल में दोबारा गई, मगर डॉक्टर ने इसकी बात ना सुनी। जब खातून के पेट की तकलीफ नाकाबले बर्दाश्त हुई तो वो एक दूसरे डॉक्टर के पास गई, जिसने उसे पेट का एक्सरे कराने की हदायत की, जिस पर इंकशाफ हुआ कि सर्जिकल सीजर्स की एक जोड़ी इसके पेट में मौजूद है, जो 20 साल कबल सर्जरी के मौके पर अंदर रह गई थी। अब डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके सीजर्स की जोड़ी निकाल दी है।